नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे। बिहार से फोन आया है कि एक व्यक्ति है, उनकी गाड़ी जा रही थी, उनका ड्राइवर लेके जा रहा था और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो घबराए हुए हैं कि क्या मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है तो मेरे ऊपर भी कोई मुकदमा लिखा जाएगा या मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी या मुझे क्या करना होगा। तो मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ जिन्हें यह जानकारी नहीं है कि गाड़ी मालिक का कोई दोस्त नहीं होता, गाड़ी का कोई दोस्त नहीं होता। गाड़ी मालिक को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वो ड्राइवर के रूप में अपनी वाहन चलाने के लिए रख रहे हैं, क्या उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, और अपने गाड़ी का पेपर सही कराएं, सारे पेपर परमिट सही हों, आपके पास इंश्योरेंस हो। अगर यह सही है तो गाड़ी मालिक और गाड़ी को कोई खतरा नहीं होता है और उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं आती है। वैसे भी अगर ये सब सही है तो इस पे बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सुंदर भाई अंबालाल देसाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात में कहा है कि पुलिस स्टेशन में वाहन को नहीं रखा जाएगा, गाड़ी का कोई दोष नहीं होता है। ऐसा अगर किया जाता है तो यह नेशनल लॉस है, राष्ट्रीय क्षति है। इसलिए दौरान विवेचना या दौरान विचारण, अंडर ट्रायल भी अगर मुकदमे है, जिस भी कंडीशन में, किसी भी हालत में गाड़ी को थाने में या ऐसी जगह पे नहीं रखा जाएगा, मालिक है तो उसे गाड़ी को उसके हक में रिलीज कर दी जाएगी। तो मुझे यकीन है कि आपको वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि गाड़ी मालिक का कोई दोष नहीं होता, गाड़ी का कोई दोष नहीं होता। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति को आप गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं या अपने खुद गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का आंसर दे पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत